ये तो आप लोगों ने देखा हम लोगों ने डिज़ाइन किया विजिटिंग कार्ड और उसके अलावा हम लोगों ने लेटर हेड और एनवेलप भी डिज़ाइन किया अच्छा इस लेसन में आप लोग आप लोगों को स्टेशनरी के हवाले से ही एक और मैं चीज़ जो डिज़ाइन करवाने जा रहा हूँ वो है फाइल फोल्डर फ़ाइल फोल्डर का इस्तेमाल बेसिकली स्टेशनरी में उस वक्त होता है जब हम लोग लेटर हेड या इस जैसी और चीज़ें जैसे कि विजिटिंग कार्ड वगैरह किसी कवर में या किसी फोल्डर में रखना चाहते हैं तो वहां पे हमें फाइल फोल्डर की जो है वो ज़रूरत पड़ती है फाइल uh, फोल्डर का जो साइज़ होता है वो लेटर हेड के साइज़ से थोड़ा सा बड़ा होता है ताकि लेटर हेड के साइज का जो कोई भी लेटर या कोई भी डॉक्यूमेंट है वो उसके अंदर आसानी से जो है वो आप डाल सकें और उसको अपने साथ कैरी कर सकें अच्छा जी जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि लेटर हेड से फाइल फोल्डर का साइज थोड़ा बड़ा होता है तो लेटर हेड का साइज मैंने आप लोगों को बताया था 8.5 इंचेस बाय 11 इंचेस ये जो फाइल फोल्डर है इसका साइज होगा जो स्टैंडर्ड साइज माना जाता है वो है नाइन इंचज बाय ट्वेल्व इंचज यानी इसकी वर्थ नाइन इंचज होती है आमतौर पर और हाइट जो है वो ट्वेल्व इंचज होती है ये स्टैंडर्ड जो लेटर हेड के हवाले से जो हम फाइल फोल्डर डिज़ाइन करते हैं वो हम इसी साइज का जो है वो डिज़ाइन कर रहे होते हैं तो चले देखते हैं अच्छा जी मैं सबसे पहले एक न्यू डॉक्यूमेंट यहाँ पे ले लेता हूँ ये मैंने कुछ चीज़ें पहले से अपने पास रखी हुई हैं जैसे कि लोगो वगैरह अच्छा नाइन इंचिस बाई ट्वेल्व इंचिस का मैं एक आर्ट बोर्ड ले रहा हूँ ठीक है ये देखें ये मेरे पास एक आर्ट बोर्ड आ गया मेरे पास यहाँ पे कुछ चीज़ें पहले से पड़ी हुई हैं जैसे कि ये स्ट्रिप मेरी पड़ी है तो मैं इसको कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ यहाँ पे कंट्रोल सी और कंट्रोल वी और इसको मैं यहाँ पे प्लेस कर लेता हूँ अब इसको मैं एडजस्ट करूँगा अपने इस नए साइज़ के हवाले से ये देखें ये हमारा आ गया जी जो साइड वाला डिजाइन एलिमेंट है वो इसके बाद जनाब अली मेरे पास लोगो पड़ा हुआ है तो मैं लोगो ले आता हूँ और इसमें आमतौर पर याद रखें फाइल फोल्डर में लोगो जो है वो तकरीबन सेंटर में करके आप ज़रा थोड़ा बड़ा करके जो है वो लगाते हैं तो वो एक अच्छा लगता है और वो थोड़ी सी कंपनी की रिप्रेजेंटेशन भी ब्रांडिंग भी अच्छे तरीके से वाजे हो जाती है तो ये हम सेंटर में यहाँ पे इसको जो है वो इस्तेमाल करेंगे और थोड़ा सा बड़ा करके इस्तेमाल करेंगे इसी तरह से मेरे पास ये नीचे फॉर्मेशन जो है वो पड़ी हुई है कॉन्टेक्ट वाली कॉन्टैक्ट डिटेल वाली और इसमें मेरे पास ये दो और लोगोस जो मैं पहले भी यूज़ कर चुका हूँ लेटर हेड के अंदर भी वो भी मेरे पास पड़े हुए हैं तो इनको भी मैं यहाँ पे प्लेस करूँगा और अगेन स्पेसिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है याद रखें स्पेसिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और आपने हमेशा स्पेसिंग का जो है वो ख्याल रखना है टेक्स्ट इसमें मैंने अगेन डमी टेक्स्ट जो है वो यूज़ किया हुआ है तो वो आप जब भी एक्चुअली किसी भी क्लाइंट के लिए काम करने लगेंगे तो आप उसके हवाले से जो है जो टेक्स्ट आपको रिक्वायर्ड होगा वो आप वहाँ पे डाल लेंगे अच्छा जी तो ये हमारी जो मेन लेआउट है वो हमारी तकरीबन तैयार हो गई है फाइल uh, फोल्डर के हवाले से अब हमने इसके जो फ्लैप्स वगैरह हैं वो ऐड करने हैं तो साइड फ्लैप्स याद रखें हमेशा उसकी जो वर्थ है वो पॉइंट होगी जैसे कि पहले भी आपको मैंने इन्वेलप के अंदर भी बताया था और उसकी जो हाइट है वो उतनी होगी जितनी कि आपके इस फाइल फोल्डर की है यानी कि हाइट इसकी जो है वो ट्वेल्व है और इसकी जो वेथ है वो मैं दे देता हूँ जी पॉइंट फाइव इंचज़ ये देखें ये मेरे पास आ गया साइड फ्लैप इसका इसको मैं इसके साथ जोड़ देता हूँ अब मैं इसी को डुप्लीकेट कर लेता हूँ ऑल्ट और शिफ्ट की मदद से शिफ्ट का इस्तेमाल लाजमी कीजिएगा ताकि जो भी आप एलिमेंट एक जगह से दूसरी जगह लेके जा रहे हैं वो एग्जैक्ट उसी प्रोपोर्शन में रहे और उसी डायरेक्शन में जो है वो मूव करे तो शिफ्ट आपको बहुत ज्यादा जो है वो काम आता है इस काम के लिए अच्छा इसी तरह से अब आपको जिस तरह से मैंने इनवेलप में बताया था कि वो भी टू साइडेड चीज होती है इनवेलप इसी तरह से जो फाइल फोल्डर है ये भी टू साइडेड है क्योंकि टू साइडेड होगा तो उसके अंदर कुछ चीज आप ढाल सकेंगे ना लेटर आप तभी उसके अंदर डाल सकेंगे जब उसकी दो साइड होंगी और वो इस तरह से बंद होगा ऊपर उसके जो है वो कवर होगा तो अब हम अगेन इसके अंदर भी क्या करने वाले हैं कि हम जितना साइज की ये एक साइड हमने बनाई है उतने ही साइज की हम एक और साइड जो है वो बनाएंगे ठीक है और ये मैं चले अलग से ले लेता हूं एक जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था वथ्थ इसकी जो है वो है नाइन और हाइट इसकी है जनाब अली ट्वेल्व ये देखें मैंने सेम नाइन के साइज का एक और मैंने रेक्टेंगल ले लिया और ये मैं यहाँ पे ला के जोड़ देता हूँ ठीक है जी अब ये वाला जो मेरा डिजाइन एलिमेंट है ये फ्रंट बैक दोनों पे चल सकता है तो क्यों ना फिर इसको मैं यहाँ पे कैरी ऑन कर लूँ इसको मैं यहाँ तक ले जाता हूँ और अरेंज में जाके इसको मैं कर लेता हूँ ब्रिंग टू फ्रंट ताकि ये दोनों साइड से मुझे नजर आ सके तो ये आपका फाइल फोल्डर जो है वो काफी हद तक कंप्लीट हो चुका है अच्छा जी अब डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की बारी आ गई डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से हम ये कॉर्नर वाला इसका एंकर पॉइंट पकड़ेंगे ये शिफ्ट की मदद से ये पकड़ेंगे दोनों को पकड़ लिया और हमने कर दिया राउंड ठीक है ये राउंड हम इसलिए करते हैं क्योंकि वो जो फ्लैप्स होते हैं वो कर्व के अंदर होते हैं तभी वो एक दूसरे के ऊपर इजीली एडजस्ट होते हैं फ्लैप्स अच्छा जी अब रह गया इसका सिर्फ ऊपर वाला एक ये फ्लैप तो ये मैं जनाब अली एक और शेप ले रहा हूँ जिसकी जो वेथ है वो नाइन इंचज़ है जो कि मेरे इस मेन लेआउट की है जो मेरा एक एक्चुअल जो स्टैंडर्ड साइज़ है और इसकी जो हाइट है वो मैं रखने लगा हूँ वन पॉइंट थ्री और ये भी मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि ये जो ऊपर वाला फ्लैप होता है स्टेशनरी में इसका जो स्टैंडर्ड साइज़ है वो वन पॉइंट थ्री होता है ठीक है और अब हम क्या करते हैं दोबारा डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से मैं इसका ये एंकर पॉइंट सेलेक्ट करता हूँ शिफ्ट की मदद से मैं ये वाला एंकर पॉइंट सेलेक्ट करता हूँ और इनको ये जो अंदर हमारे पास ऑप्शन होती है इसको ट्विस्ट करने की इसकी मदद से मैं इसको फोल्ड कर देता हूँ तो ये देखें जी ये हमारा जो फाइल फोल्डर है वो तैयार हो चुका है आप लोगों ने जब भी डिज़ाइन बना के देना अपने क्लाइंट को तो कोशिश करनी है कि विद फ्लैप्स और तमाम फ्रंट बैक प्रॉपर कंप्लीट डिज़ाइन बना के अपने क्लाइंट को दें और लेआउट बड़ी नीट एंड क्लीन और साफ सुथरी सी रखें इसी तरह से आप लोग जो है वो बड़ी आसानी से प्रोजेक्ट स्पेंड कर सकते हैं आ, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये आप लोगों को लेक्चर जो है वो पसंद आया होगा इन शाली नेक्स्ट लेसन में हम लोग स्टेशनरी के हवाले से कोई और चीज़ डिस्कस करेंगे